अन्योन्याश्रय रेशमा से अनियासियो सन सिग्निम। ये। सो आज का जो टॉपिक है इसको रीड कीजिए। हाँ मिनट हेलो। इस सुमनी का हाँ करेक्ट, ये इसम निक्का है। इसका भी मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ओके क्वेश्चन, ये जो है इसम निदा जो हम लोग ने कल पढ़े थे उसी का ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन ओके इसमें करेंगे, आंसर इसमें देंगे, ठीक है। सेम ओके रहेगा सब कुछ, जैसे होना होता है, और जैसे स्टे मतलब वह एग्जिस्ट करता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पार्क में पेड़ है, ठीक है, पार्क में पेड़ है, ठीक है। मेरे पास कार है, ए तो ये जो है इसका मतलब हुआ इस समय, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे कि क्या पार्क में पेड़ है, तो उसको कोरियन में जैसे है हिंदी में, उसी तरह कोरियन के वाक के अंत में इसम निक्का लगाएगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसम निकला हाँ इसम निक्का, ठीक है। निकला चलिए आगे आते हैं, ओके सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ आएगा। आइए आप सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस रीड कीजिए। सबसे पहले तो इसको रीड कीजिए, इसको और इसको। हाँ मुंजंग एंगसुम। अगेन आपने ये वाला अच्छे से नहीं पढ़े, ये आपने सही पढ़ा, ये लाइन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। ये वाला मैंने उस दिन भी बताया था, याद रख लीजिए, ये योनसम है। हाँ यौन यौन सम मुंजंग यौन सम और इसको बोलने से पहले इसको जरूर बोलिए ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। सेंटेंस पर फिक्स मुंजंग इन यौन सम हाँ पहले एन बोले तभी यौन बोले, ठीक है, यौन सम। यौन सम। चलिए आइए, पहला सेंटेंस है, डू यू हैव एनी प्लान फॉर ट्रेवल। इसका मतलब हुआ हिंदी में, क्या आपके पास कोई योजना है ट्रेवल करने का। ट्रेवल समझते हैं ना, यात्रा करने का, हाँ। ठीक है। क्या आपके पास कोई योजना है यात्रा करने का, ठीक है। तो उसको कोरियन में कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए। ये एक ही है, ये सब सेम है, ठीक है। लास्ट वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे से आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि एक इसको यही बोलते हैं जो आपने ऊपर में टॉपिक में पढ़ा, ठीक है। ओके हाँ इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा बोल देना है। आगे के दो जो आगे की इसके आगे जो भी शब्द है उसको आप पढ़िए, रीड कीजिए। इसको लिख कर नहीं डू डू यू हैव एनी प्लान फॉर ट्रेवल। हाँ मतलब हम मैंने आपको बताया हिंदी में, क्या आपके पास कोई यात्रा करने की योजना है। ए हंग नहीं ये नहीं आपका ना, ये और ये में डिफरेंस होना चाहिए। इसको आप क्या बोलते हैं बोलिए, ए इसको ए ए करके बोल रहे हैं ना इसको नहीं, इसको हिंदी में या इंग्लिश में ये बोलते हैं, ये ए अच्छा इसको क्या बोलते हैं। ए हाँ तो आप इसको भी यही बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना है इसको। ए ए ए अच्छा बोलना है क्या सिर्फ अच्छा जैसे बोलते हैं हम लोग कि ये वाला, बोलिए ये वाला। कौन सा वाला ए नहीं, कौन सा वाला नहीं, जैसे आपने पूछा कौन सा वाला, ठीक है, हम अब उत्तर देंगे
ये वाला, ठीक है? जैसे आपने कहा ना, ओके कौन सा वाला है, तो उसका उत्तर है, सपोज मान लीजिए इसको बोल रहे ये क्लास। वाला ऐसे बोल, एग्जाम्पल दे रहा, इसको बोलना नहीं है। आप इसको क्या बोलते हैं, एक बार और बोलिए। ए थोड़ा सा ना डिफरेंस आपको करना पड़ेगा इसमें, इस वाले में और इस वाले में, ठीक है? मेरा साउंड ए ए हो रहा है दोनों ही। हाँ, ये दिक्कत है, इसको सुधारिए। आ इसको पढ़िए, इसको इसको ए नहीं, ये ए नहीं है, ये है ये। ए अच्छा मुझे वही हो रहा है ये। अच्छा इसको पढ़िए, अभी जो लिखे मैंने इसको, इसको क्या पढ़ते हैं? या यहाँ देखिए कितना अच्छा पढ़े, फिर यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये या हाँ तो वही है, यहाँ पे ये यो है, यो ऐसे वाला यो यो है ना, यो यो हैंग, यो हैंग, एंग हैंग, ठीक है? यो हिंग हाँ, यो हैंग। अगला है, पढ़िए इसको। इसको क्या हेलो, बोलना है, क्या गया बोलना है हाँ ना इसको, गया हुई। नहीं, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए, तो एक साथ पढ़िए गया यहां से लेके यहाँ तक। हुई, गया हुई आगी इसम निका। हाँ, इसमें आपने 85% जो है प्रोनाउंसिएशन सही पढ़ा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन है ऐसे करके, ये ग्यो होता है ना, ग्यो, घे अच्छा वे गी, घेवेगी, ठीक है? हाँ, घेवेगी, क्या एगी, घ्यो खा बोलना है नहीं, ना, घे घे घे, घेवेगी। के एगी हाँ, इसम निका। एगी। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस रीड कीजिए इंग्लिश। आर देयर चेयर इन द क्लासरूम। हाँ, इसका मतलब हुआ क्या क्लास में चेयर्स हैं, ठीक है? इसको थोड़ा जूम करके देखना, लेकिन अच्छा, दिख रहा मोबाइल में है। शायद। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी कर देता हूँ। अब ठीक है, या इससे बड़ा करूं? बस ठीक है। हाँ चलिए ड्यूसिल पढ़िए। हाँ ड्यूसिल करेक्ट। आनिया हाँ, आने आने, सिंपल है जी, मुझे ये लॉजिक लॉजिक लगाइए ना, मैं कई बार बताया, आ और ये नौ जो है ना, नौ यहाँ आ जाता है, ये हो जाएगा ने, आने। उई जागा इसम करेक्ट। निका। हाँ, फिर से पढ़िए पूरा सेंटेंस। ग्योसिल आने उई जा इसम निका ये इसको इसम छोड़ दिए। निका। ओ सॉरी, ग्योसिल आने उई जागा इसम निका। हाँ अच्छा, एक बार इस पूरे सेंटेंस को फास्ट पढ़िए, फास्टली। ग्यूसिल आने उई जागा इसम निका। हाँ, तो आप जो है इसको देख कर ना,
बोलिएगा खूब 5 बार 6 बार फास्टली, जब आप जबकि आपके पास समय हो ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक चैप्टर ओपन कीजिए, जोर जोर से पढ़ के 10 मिनट में फिर रख दीजिए, ठीक है। फिर कभी समय मिले बुक पलटिए, एक चैप्टर लीजिए, जोर जोर से पढ़ के फिर रख दीजिए 10 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका उच्चारण धीरे धीरे सही हो जाए और आप फ्लुएंटली पढ़ने लगेंगे, ठीक है। ओके समझ रहे बात को? ओके ओके हाँ, जब तक जोर जोर से नहीं पढ़िएगा तब तक प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण आपका करेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। मेरे जो प्रोफेसर हैं थे, वो जिस जब मैं सीख रहा था, तो वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि ओपन योर माउथ, मुंह जो है ओपन करिए पूरा और बोलिए, ठीक है। ओके हाँ चलिए अगला पढ़िए, थर्ड सेंटेंस। थर्मा, व्हाट इज इन द बैग? हाँ, बैग में क्या है, ठीक है। खाबांग आने मुंह एती इसको नहीं, ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया सी, और यहाँ पे नहीं है बोलते समय, समझ गए। इसको क्या बोलने मुंह आ हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये तो मुंह हो गया, ठीक है, आ हाँ ये यहां से उठ के यहां आ गया, समझ गए। मुंह सी बोलना है क्या? मुंह ओ सी, मुंह मुंह ओ सी, मुंह ओ सी। मौसी। अरे म हिंदी में बोलते हैं ना जी मौसी, आपके यहां भी बोलते हैं मौसी है? मौसी तो नहीं, फूफा बोले। अरे आ, आ, सिस्टर को, मतलब मम्मी के सिस्टर को क्या बोलते हैं? हाँ उसको तो चाची हाँ चाची बोल चाची, रहे हैं। काकी चाची तो हाँ, काकी 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 तो उनको बोलते हैं ना, फादर के भाई के पत्नी को, पिताजी के भाई के दोनों पत्नी को ना बोलते हैं काकी, माता के माँ की का बहन को क्या बोलते हैं? आपकी, आप अपनी छोटी बहन को, आपका जो बेटा है या वो क्या बोलती है? उसको सानी माँ बोलेंगे। अच्छा, तब तो अलग ही बोलते हैं, हिंदी में मौसी बोलते हैं, ठीक है। ओके तो वही है, ये मौसी है, मुंहोसी, बस यहाँ पे ओ लगा दीजिए, ये मौसी है, बस यहाँ पे ओ लगा दीजिएगा, हो जाएगा मुंहोसी, ठीक है। मुझे हाँ चलिए, इसको बोलिए। बोलना इत्सुमनिका इसमिका, इत्सुमनिका चलिए इस सेंटेंस को फिर से दोबारा फास्ट पढ़िए, फास्ट ले। खाबांग आने आमुसी इत्सुमनिका ठीक है, चलिए अब चौथा पढ़िए। इत देर आ इसको सीजर, क्या बोल स्विजर इन साइड द ड्रॉवर ड्रॉअर, ऑफ द डेस्क डेस्क, कह रहा है क्या, कैंची, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में सीजर बोलते हैं, डेस्क के ड्रॉअर में है। ड्रॉअर मतलब होता है डेस्क में जो रहता है ना छोटा सा बॉक्स, समझ रहे हैं, हाँ डेस्क, डेस्क में जो रहता है छोटा सा बॉक्स नहीं रहता नीचे, उसी में पूछ रहा है कि कैंची है। चलिए उसको कैसे बोलते हैं कोरियन में, बोल के देखिए, बोलिए। हाँ छेक सांग नहीं साराम अन्य नहीं नहीं, नहीं साराम नहीं है, देखिए अच्छा से क्या है, ये पॉ पढ़ाएगा, पॉ, और ये अ है, अ। सोरा, क्या हुआ? सौरा सौरा हाँ सोरा, सौरभ आने इसको गा बोलने खा गा गा गा, गा उई गा उई गा
करेक्ट। गाविगा इसम निका। गावी मीन्स होता है सीजर, ठीक है। चेकसांग सोराक होता है ड्रॉवर ऑफ द डेस्क। ओके ओके। चलिए पांचवा पढ़िए। ओयर इज अ सिनेमा हॉल। हाँ, कहाँ पर सिनेमा हॉल कहाँ पर है, ठीक है, पढ़िए इंग्लिश में, कोरियन। कोरियन को एंग एंग हुआ। यंग नहीं है जी, योंग है, योंग यो है, यो इसको यो बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो ये हो गया यो योंग हुआ ग्वानी, पूरा पूरा पढ़िए, योंग हुआ ग्वानी। यंग हुआ ग्वानी। हाँ इसको रीड आ कीजिए। हाँ, दिन आदि ए एक साथ पढ़िए, और दिए। आदि ए इस समनी का। हाँ ठीक है, वेयर का होता है ओदी, ठीक है। सिनेमा हॉल को बोलते हैं योंगवा ग्वान, ठीक है, ओके। समझिए बात। चलिए अब छठा सेंटेंस पढ़िए। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। हाँ, कितने एप्पल्स हैं। सागोवा का मेट हाँ हाँ गया। नहीं, के होगा, के मेट क्या इस समनी का। मियोत के ऐसे है, मेट क्या। मी योत के, इसको पूरा पढ़ेंगे इसको। मियत के। हाँ ठीक है, ओके। हाउ चलिए आइए अब देखते हैं क्या है, वर्ड मीनिंग है, फटाफट वर्ड मीनिंग पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। हाँ इसको क्या बोलना है ना। हाँ घेवेक, घेवेक, घेवेक। वही नेक्स्ट ट्रेवल, आहिंग आहिंग यो या हिंग हैंग। हाँ यो हैंग, यो यो हैंग। हिंग। अगला इसको खा खावी। हाँ सॉरी करें, अगला इसको मो बोल रहे ना। सौ करेक्ट, सौराम। अगला। साग्या हाँ सागुआ। इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, तब ये पढ़िए। हाँ नेपाल हाँ सागुआ। नेक्स्ट। कलासलम क्यूसिल। नेक्स्ट हाउ मेनी यू क्या हाउ पीसेस। मेनी पीसेस को मेत अमेत के मियोत के लिखे थे ना वहां जी, मेत मी किया। मियोत के, ठीक है। हाउ मेनी पीस का मतलब होता है कितना पीस, ठीक है। आइए अब कॉन्वर्सेशन देखते हैं, आज का कॉन्वर्सेशन है क्लास रूम, इसको बोलिए, कॉन्वर्सेशन को बोलिए और इसको बोलिए। कन्वर्सेशन हुए हुआ हुए हाँ करेक्ट, इसको बोलिए। क्यों सिल आन।
इन अ क्लासरूम को बोलते हैं ख्योसिलान। ठीक है, चलिए आइए। अब टीचर है, टीचर पूछ रहा है, इसको पढ़िए। संसंगी मीन्स टीचर। ओके ओके क्यू सिल आने क्यू सिल आने नू नुगा इसम निका हाँ, कह रहा है कि क्लास में कौन है, टीचर पूछ रहा है क्लास में कौन है। अब मिनहो जो है जवाब दे रहा है, इसको भी पढ़िए मिनहो। मीन हो क्यू हाँ, सिल आने आने नून पिछला अंग क्लास में बताया था मैंने। अंग सेंग दूरी अंग सेंग दो री हाक सेंग सम दरी, अंग सेंग दो री दोरी नहीं दरी। दो अंग सेंग दरी इसम निदा वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, आइए अब टीचर पूछ रहे हैं, पढ़िए इसको आक्सिंग भी, दरी इसको भी पढ़िए, इसको भी रीड कीजिए। सन सिंग निम हाँ सन सिंग निम हाँ चलिए पढ़िए। हाँ आंग सिंग दरी व्यर हंसेंग नहीं है, हाथ है, हाथ हाथ आक्सिंग दरी ओके ओके दो केरे को है इसमें हाँ आक्सिंग हंसेंग दरी। दरी ओ, यहाँ पे मियर सेंग रह गया, सेंग। हाँ अक्सिंग हंसेंग मियर दरी। ओके मियत मेंग इसको मेंग इसम निका हाँ, जब एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, जब छ के बाद तुरंत म होता है ना, ओके तो इसको छ को नौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नौ। ठीक मेंग बोलना है, है क्या इसको हाँ म्यान बोल रहा है, म्यान म्यांग मेंग म्योत म्यांग बोलने में जोड़ देना पड़ता है, और वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। म्यान म्यांग फास्ट होता है, इजी होता है। ओके ठीक है, ओके ओके मैं म्यान तो नहीं बोलना मेंग बोलना ना इसको म्यान मियन मी यान बोलना है इसको, पूरा इसको। ये मियोंग ओके होगा, ये मियोंग है, मी योंग। ठीक है, ओके तो एक साथ पढ़िएगा तो मियन मियोंग मियोंग। मियन मियन मेंग मियो हाँ मियम ठीक है, चलिए ओके इस सब निकाल बोलिए। निका हाँ, अब मिनो क्या कह रहा है, यहां से लेके यहां तक पढ़िए मिनवा पूरा। मिनवा आग सिंह मिनवा नहीं है, मिनहो है, मिनहो। मिन हो बोल रहा है कि हाँ आग मिनहो। सिंह दरी हाँ सुमु हाँ म्यंग हाँ मेंग इतम निदा हाँ सुमु मियांग इस समुदा। ठीक है, तुम मियां इतम निदा सुमो ने बताया 20, वो मैं जब नंबर बताऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए। सन सिंह निमी हान हान आनबुन क्या सुम निदा हेसिम निदा। हे सिम निदा हाँ, ये कह रहा है कि यहाँ पे बोला मिन्हो कि टोटल 20 स्टूडेंट है, और यहाँ उसके बाद बोल रहा है कि एक शिक्षक भी है, एक टीचर भी है। हनबोन मीन्स होता है वन। ठीक है, ओके चलिए अगला पढ़िए।
अब संसंग में इसको पढ़िए और फिर इसको रीड कीजिए। बोला है क्योंशिल आने आने मु 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 आ सी आ इल्स इल्सु इल्समनिका हैं ये सब इसमनिका कैसे मिस्टेक करते हैं जी, कितना बार इसमनिका पढ़े इसको, राइट। ओके हाँ ये बोला है क्यों से लाने मुसी का, कह रहा क्लासरूम में क्या सब है, तो मिन्हो जवाब दे रहा है। पढ़िए मिन्हो मीनू भी बोलिए, मिन्हो भी बोलिए। नहीं, मैं नीचे कौन सा लाइन पढ़ना है ये लाइन है ना, ये लाइन जो देखिए, ये हमने ओके हमने ओके तो चिन्ह भी लगा रहा है ना साथ में। ओके हाँ ओके छेक संग गोवा उई हाँ जागा उई उई जागा इसम नीदा इसको भी रीड कीजिए, इसको भी लास्ट वाला। छांग मुनी इसम निदा हाँ इसका मतलब हुआ छेक्सा मतलब डेस्क और चेयर है, छांगमून होता है विंडो, विंडो भी है, ओके ठीक है। छांगमन ओके हाँ आइए एक और लाइन है, पढ़िए इसको। छेक संग छेक छेक संग उई उई आनी क्या बोलना है इसको भूल गई जो आप हर बार बोलते हैं, उई ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ए बोलते हैं ना हर बार इसको, आप उई इसको हर बार ए ए बोलते हैं तो वही है ए, ओके सर इसको बोलना है ए, ये वाला को ए बोलना है। एनुन हाँ वी ए नन पूरा हो जाएगा, वी ए नन, वी उई ए नन ए नन। उई ए नन छेक छेक गोवा एन फिल दो येन नहीं है, यौन है, आपको कितना बार बोलूं। यंग फिल दो हाँ देखिए यौन सब में होता है, सेंटेंस प्रैक्टिस में भी यही है यौन, ठीक है। तो इसको यौन बोलना है, येन नहीं बोलना है, येन गलत है प्रोनाउंसिएशन, ठीक योन है, ओके समझ गए। ओके ओके योन इसको हाँ योन बोलना है इसको ए हाँ उई उई ए हाँ आप एक काम कीजिए, इस सेंटेंस को पूरा एक बार रीड कीजिए यहां से लेके यहां तक, रीड कीजिए। छेक सांग उई ए ए नून छेक छेक गा योन योन फिल दो करेक्ट, अब यहां है इसको बोलिए ये वाला। इसम हाँ निदा वेरी गुड इसम वेरी गुड वेरी गुड, चलिए अब इसको बोलिए, ये लाइन बोलिए, ये लाइन, ये लाइन देखिए जो हमने पॉइंट आउट किया है। निदा छिलभानी इसम निदा हाँ तो इसका हिंदी बता देता हूँ, इसका मतलब हुआ डेस्क के ऊपर किताब और पेंसिल है, ठीक है। छिलफानी का ओके मतलब होता है, छिलफान मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, BLACK, ब्लैक बोर्ड, इसको पढ़िए। ओके ओके क्यों रिम दो इसम निदा हाँ ये कह रहा है कि पेंटिंग भी है क्या, कोई पिक्चर उक्चर पेंटिंग वाला लगा रहता है ना क्लासरूम में, वही बोल रहा है, ठीक है। चलिए ओके लास्ट का दो लाइन इसको पढ़िए। सन सिंह निम क्यों सिल आने गाउल दो खा गा नहीं उल है, में खा उल दो हाँ खा नहीं, खाओ खा खाओ, गौ गौ, खा उल दो गौ 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 माता का नाम सुने ना, गौ माता वही है। ओके गौ गौ उल दो
निदा इसमिका। ओके इसमें का क्वेश्चन मार्क देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो एक जब भी क्वेश्चन मार्क होगा वो का साउंड ही आएगा फॉर्मल में, ठीक है, फॉर्मल। चलिए तो ये कह ओके रहा है, क्योसिन आने खोल दो इसमिका, मीन्स हर एक स्कूल में आप मैप देखते होंगे ना, मैप है ना, मानचित्र, ओके जैसे इंडिया ओके का, दुनिया का, कोई पूछ रहा है कि नेपाल क्लासरूम में मैप है, तो मिन्हो क्या बोला, इसको पूरा पढ़िए। का ने गे गे उल दो फिर गलत पढ़े, अभी बताने जी, ऊपर सेम ही तो है, देखिए सेम है ये और ये सेम है ना जी। चलिए पढ़िए, मैं बताने के ने लिए हूँ। ने गे उल सॉरी यार ये नहीं है इसको जी, नहीं बोलना देखिए ना, यहाँ पे गौ माता का उदाहरण दिए ना जी, ओके गौ ओके गा दो। उल दो इसम निदा हाँ करेक्ट। गा उल दो हाँ चलिए, आज मैं आपको दोबारा से जो है भवेल पढ़ा बोलने के लिए बताऊंगा, दोबारा से आपको प्रैक्टिस कराना है। चलिए, ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, 6 चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर कंप्लीट। चलिए, 5वें चैप्टर का हम लोग वर्ड मीनिंग करते हैं, लास्ट पिछले क्लास में रह गया था, ओके ठीक है। अभी है हमारे पास 7 मिनट समय है इस मीटिंग को खत्म होने में, तो हम लोग ये वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। आइए चलिए, इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए। बेबी आगी करेक्ट, टुगेदर को हाथ ई नहीं इसका रात गा ऐसे देखिए, ऐसे तो ये गाथी है ठीक, लेकिन ये थ साउंड जो है 6 साउंड में बदल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, गाछी, ठीक है। ये दो अच्छी में ही जाएगा क्या गाछी हाँ, थ साउंड जो है 6 में बदल जाता है बोलते समय, ठीक है, उच्चारण करते समय 6 में बदल जाएगा। ये जब भी टुगेदर आएगा, इंग्लिश में साथ साथ, हिंदी में साथ साथ बोलते हैं, राइट, साथ साथ, तो ये हमेशा गाछी होगा, गाछी, ठीक है। गाछी हाँ, गाछी याद कर लीजिए इसको। ओके चलिए, मनी को बोलते हैं। मोनी दोन क्वेश्चन क्वेश्चन को जिल मुन वेरी गुड, नेक्स्ट, मेजनिंग को जामसी जाप छापची, छाप छापची, था ये बोलना क्या इसका भी छापसी 6 साउंड होगा, 6 साउंड, 6 साउंड लिखना यही है, बट इसमें रीड करना है छापची, ऐसे छाप जी छाप छापची जी जी, नहीं छी, छापची। छाप जी हाँ छाप बोलना है तो भी छो छो, हाँ चलिए, थैंक यू। खो खो माप सुपनीदा सम, अगर आपको फिर बता रहे हैं एक बार और, ये म होगा जब नौ रहता आगे, ठीक है, खोमाप सुनिदा संविदा, खोमाप संविदा, हो इसको माँ बोल रहे ना माम हाँ ये खो माप, माँ या खो इसको माप को बोलना है, इसको समनिदा बोलना है, समनिदा। सुनिदा चलिए, इसको बोलिए, लेट्स गो, लेट्स गो चलो, हिंदी में चलो बोलते हैं ना, उसको कोरियन में रीड कीजिए। गेट सीधा हाँ गाप सीधा हाँ इसे गाप नहीं बोलना है, खा बोलना, खा सा, खाप सीधा। हाफ सीधा ठीक है, एक और दो और है, मानी बोलिए। मानी
ये आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी रीड कर लीजिए क्या है। इसको खे सीधा बोलना है, गे गया सीधा, खे सीधा। खे सीधा। हाँ, ये ऑनोग्राफिक फॉर्म ऑफ इताका होता है, खे सीधा। इत्ता इत्ता, इत्ता। इत्ता, इसको दा ना बोलना, तो बोलना ना इत्ता हाँ, ये भी तो, ये भी तो। इत्ता। चलिए, मजा आया आज प्रैक्टिस करके रीडिंग। हाँ, हाँ ठीक है, लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कोई नहीं, ए अभी ए तो मैं कंफ्यूज, प्रैक्टिस है, अभी तो क्लास जैसे स्टार्ट किए हैं, अभी मेरा कुछ कंफ्यूज है। ए में ज्यादा कंफ्यूज होगा, और तो ठीक कोई नहीं, वो जाते जाते जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, है। ओके चलिए एक बार जो है हम लोग भावल पढ़ लेते हैं आज। आइए, चलिए इसको रीड कीजिए फटाफट फटाफट, डिपथॉन्ग्स रीड कीजिए तो। ए उई उई ए वा ओए वा ओए। और कैसे कैसे बोले हम ही नहीं समझ पाए। चलिए फिर ए से बोलिए, पहला मैं यहाँ पर टिक करूंगा, इसको बोलिए, ए इसको ए नहीं, ए, ये ए तो बोलना है इसको, ए, ये ए फिर आप ये बोल रहे हैं। अरे ये है, ए ये है। अच्छा, हिंदी का अल्फाबेट में इसको और इसमें डिफरेंस है ना, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन सिंपल एप्पल वाला ए है। ठीक है, और इसका उच्चारण हिंदी वाला जिसे बोलते हैं ना, ये वाला, वो ए वाला, ए वो। ए अच्छा, हिंदी में यह आप पढ़ते हैं ना जी, यह। हाँ, हाँ तो यही तो है, यह को बस ये कर दीजिए, नहीं, आयकार दे दीजिए, लेकिन यह। ये तो सही है, लेकिन मेरा उच्चारण में ये थोड़ा ये लग ए हो जाता वो है, या नेपाली आम तो पता का, ही मुझे। हाँ नेपाली शब्द का टोन आ जाता है वहां। हाँ वही है, वो ये करके वो तो डिफरेंट तो कर हाँ, ये सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, दिक्कत नहीं ना, इसीलिए। थोड़ा ए ए चलिए कोई नहीं, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, बस लिखने में अलग अलग रखिए। ठीक है, नहीं, लिखने में तो होगा, मेरा बोलने में साउंड ए ए हो जाता है, लिखने हाँ में तो कोई मैं नहीं, डिफरेंट करके लिख सकती हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस है सब जी, सब प्रैक्टिस है, हाँ प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए, इसको पढ़िए, उई इसको, उई इसको, इसको, इसको ई वी वी वी, उई ओए वे। ओए वा ओए वा वा वाह। ओए। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है, और थर्सडे को सेम जैसे टेस्ट होगा 6 चैप्टर का, और 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, पूरा 1 से लेके 6 चैप्टर तक आप रिवीजन कीजिएगा, बुक से रीड कीजिएगा। ठीक है, ओके हाँ, मिलते हैं थर्सडे, ठीक है, फर्स्ट ओके ओके ओके, बाय। बाय। कोरोना में क्या अनबन होनी है।